वेलकम बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है लेटेंट हीट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। जब भी कभी फेस चेंजेस होते हैं तो उस फेस चेंजेस में लेटेंट हीट अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हालांकि जब भी कभी टेम्परेचर राइज होता है तो सेंसिबल हीट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेंसिबल हीट को हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम किसी और लेक्चर में, होपफुली हम अगले वीडियो में सेंसिबल हीट को करेंगे। आज हम बात करेंगे केवल और केवल लेटेंट हीट की। और देखिए, वीडियो मेरे कुछ लंबे हो सकते हैं। देखिए, छोटे वीडियो बनाएंगे तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। छोटे वीडियो में ये होता है कि ठीक है, एक हम लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को समझेंगे तो फिर मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं टाइम नहीं देखता हूँ। अब वो टाइम 25 मिनट भी जा सकता है, 30 मिनट भी जा सकता है, लेकिन हाँ, ये श्योरिटी है कि कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। आपको मेरे वीडियोस देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको इस टॉपिक को कहीं और से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। लेटेंट हीट इज़ दी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, या तो वो एब्जॉर्ब करे सब्सटेंस, या वो सब्सटेंस क्या करे, रिलीज करे। देखिए, हीट कोई कब एब्जॉर्ब करेगा, जब वो सॉलिड से लिक्विड जाएगा या लिक्विड से गैस जाएगा। अगर कोई सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, इसका मतलब वो गैस से लिक्विड स्टेट में आ रहा है, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, और या फिर गैस से और ज़्यादा लोअर स्टेट, मतलब सॉलिड में आ रहा है। तो इसीलिए लेटेंट हीट में हम दोनों तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं। इट इज़ दी एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी ऑब्वियसली हीट एनर्जी होगी, ठीक है ना। इट इज़ दी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट और फेज विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, फेस जो चेंज होगा, स्टेट तो चेंज होगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा होगा और लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा होगा, और जिस समय फेज चेंज हो रहा होगा, फेज का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट हम जानते ही हैं, तो जिस समय स्टेट और फेज चेंज हो रहे होंगे उस समय टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उस समय केवल और केवल फेज चेंज होगा। देखिए, दो एक्टिविटी होती हैं जब भी कभी आप किसी बॉडी को हीट देते हैं, या तो उसके टेम्परेचर में राइज होता है या फिर उसका फेज चेंज होता है। जब टेम्परेचर में राइज होगा तो जो हीट सप्लाई होती है वो सेंसिबल हीट होती है। अगर टेम्परेचर में राइज ना होके फेज में चेंज हो रहा है, उस समय जो है कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, और उस समय जो हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब या फिर रिलीज हो रही होगी, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो ध्यान हमें ये रखना है कि सॉलिड लिक्विड और गैस में जब फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। दो प्रोसेस साथ में होंगे जब भी किसी बॉडी को हीट देंगे। पहला क्या होगा, फेज चेंज होगा, पहला पहला होगा फेज चेंज होगा, और दूसरा मेरा होता है टेम्परेचर में चेंज, ठीक है ना। अगर फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर में चेंज होगा। कभी भी दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या इंडिकेट करने की कोशिश की गई है इस पिक्चर में, बोल रहा है कि एक सॉलिड है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, वो लिक्विड में जाता है, राइट। तो ये एक फेज हो गया सॉलिड वाला, और ये एक लिक्विड वाला फेज हो गया है, और लिक्विड से जो है वो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, गैस की तरफ, राइट। तो जो सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, अगर हम सॉलिड को देखो तो होता क्या है, सॉलिड में एटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस उनके एटम्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में होती है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा सॉलिड में वो हाइएस्ट लेवल का होगा, और फोर्स ऑफ सॉरी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल स्पेसिंग जो होगी वो मिनिमम लेवल की होगी। अब जैसे ही आप लिक्विड में जाएंगे तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक, तो जब आप इसको क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्दर जब आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो गैसेस के केस में ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं एक दूसरे से। तो जैसे जैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा
तभी तो जो है डिस्टेंस बढ़ेगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कम हो रहा है तो दूर जा ही नहीं सकते पार्टिकल, डिस्टेंस कभी भी नहीं बढ़ेगी, राइट। एक और ख़ास बात जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ, देखिए न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये था कि कोई भी बॉडी जिनके पास मास होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। तो मास तो मेरे पार्टिकल में भी, अगर मैं एक एटम की बात करूँ तो मास तो इसमें भी है, इसका मतलब इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इन सभी के बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जब आप इसको हीट देते हैं तो होता क्या है, देखिए ये भी एक स्टेबल पोजिशन है, ये भी एक स्टेबल पोजिशन है, क्योंकि सॉलिड फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है ना, कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट तभी करता है जब वो स्टेबल होता है। इसके बाद आप इसको फर्दर हीट देना शुरू करेंगे, राइट। तो फर्दर हीट देना शुरू करेंगे तो ये जो पार्टिकल इनिशियली पास पास थे ये क्या हो जाएंगे, अभी दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर क्लोजली पैक करके जानबूझ के नहीं दिखाया, क्योंकि मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर देखिए जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो क्या ये पोजीशन स्टेबल है? बिल्कुल हाँ, ये भी पोजीशन स्टेबल है, क्योंकि सॉलिड भी स्टेबल है, फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक रेंज में स्टेबिलिटी को अचीव करता है, यहाँ पर भी स्टेबल है और यहाँ पर भी स्टेबल है। लेकिन और जैसे ही आप इसको फर्दर इन्हेंस करेंगे, इसमें हीट आप और इनपुट करेंगे, तो ये पार्टिकल और दूर चले जाएंगे, स्टेबिलिटी तो वहाँ भी है, ध्यान रखिएगा। स्टेबिलिटी अगर कोई फेज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो स्टेबल है, इसका मतलब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेबल है, और इसका मतलब उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो भी स्टेबल है। अब इस सारे चीज़ों में हो क्या रहा है, इन सभी चीज़ों में हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने पर हम चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरीके के चेंजेस होते हैं। अगर हमें फिजिकली ये चीज़ सामने से दिख रही है तो ये बल्क चेंजेस हैं। कैसे हैं? बल्क चेंजेस हैं, बिगर लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं, और इनके पीछे जो भी कोई बड़ा चेंज होता है उसके पीछे छोटे छोटे चेंज जो हैं वो एक्युमुलेट होते हैं। और वो छोटे चेंजेस क्या हैं, एटम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हैं वो एटॉमिक लेवल पर है, और मैक्रोस्कोपिक चेंजेस हैं वो क्या है, हमारे बल्क लेवल पर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है वो है मेरा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, ठीक। एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जहां पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो वाला टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, देखिए सारे प्रोसेस जो है वन एटमोस्फेरिक पर हो रहे हैं, अनटिल अनलेस आप कोई एबनॉर्मल सिचुएशन या कोई आर्टिफिशियल कंडीशन ना बना रहे हो, आप किसी लैब में किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर ना काम कर रहे हो, अदरवाइज सारे प्रोसेस जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होते हैं, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट स्टार्ट्स बॉइलिंग, मतलब जैसे वाटर हो गया या कोई और सब्सटेंस हो गया वो भी बॉइल करने लगता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा, और हालांकि वो हम चेंज कर भी नहीं सकते अनटिल अनलेस हम कोई आर्टिफिशियल कंडीशन को ना बना रहे हो, राइट। तो एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जहां पर ये जो लिक्विड है ये बॉयल करने लगता है, ये क्या करता है, बॉयल करने लगता है, इसको हम बोलते हैं बॉयलिंग पॉइंट। चलिए जी, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जा रहे हैं बहुत टेक्निकल डिटेल पर, ध्यान से आप इसमें कनेक्ट रहिए और समझते रहिए। हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन पर माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी या एटॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही होगी। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड इज ड्यू टू हाई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जो सॉलिड होता है उसका स्ट्रक्चर सॉलिड क्यों है, एक जो सॉलिड हमें दिख रहा है फिजिकली उसका स्ट्रक्चर सॉलिड क्यों है, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके पार्टिकल में, उनके एटम में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है वो वहाँ पर बंधे हुए होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं दूर जा सकते हैं, राइट। तो
द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल. दीज पार्टिकल ऑलवेज हैव सर्टेन एनर्जी. भले ही आप बंधे हुए हैं, भले ही पार्टिकल बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके पास एक मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी ज़रूर होती है, हमेशा होती है, और उस एनर्जी से वो क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है. यहाँ पर मैंने आप ये जो है मैंने सॉलिड को शो करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर मैं लिक्विड शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, गैसेज शो करने की कोशिश कर रहा हूँ. सॉलिड में कोई भी टेम्परेचर हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, -2 हो, -5 हो, -10 हो, -100 हो, एक मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी ज़रूर होगी. और किसी पार्टिकल के पास सॉलिड में अगर एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट, यहाँ से यहाँ से यहाँ से वाइब्रेट या ऑसिलेट करता रहेगा कंटिन्यूसली, हमेशा. बात आती है कि क्या कोई ऐसी स्टेट हो सकती है कि जहाँ पर जो सॉलिड है वो कम्प्लीटली फिक्स हो जाए, बिल्कुल मोशन ना हो उनके पार्टिकल के बीच में, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है? हाँ जी, वो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज -273 केल्विन, राइट. अगर आप किसी सॉलिड का टेम्परेचर -273 तक ले जाते हैं, उस समय ये पार्टिकल है बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, राइट. तो आप समझिए 0 डिग्री सेल्सियस से और नीचे -273, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो. अगर एब्सोल्यूट जीरो के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, एक वीडियो मैंने डाला हुआ है जहां पर हमने टेम्परेचर और उसके मेजरमेंट की बात की गई है. तो एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होता है, जो सॉलिड है वो पूरी तरीके से पार्टिकल मोशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. वाइब्रेशन जो होता है सॉलिड्स में एट -273 कितना हो जाएगा, जीरो, कोई वाइब्रेशन नहीं होगा. इस समय मैं मानता हूं मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, ठीक है ना. भले ही आपको वो फिक्स दिखाई दे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्केल पर जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे, ठीक है ना. अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर वो धीरे 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 ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन पर. और अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एक सॉलिड है 0 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर बढ़ाइए, राइट, बढ़ाते चलिए, ठीक है ना. मान लो आपके पास -5 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, मैं नहीं कह रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पर, -5 पर आइस है, -10 पर आइस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा या एक पर्टिकुलर एनर्जी ऐसी आएगी या एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी पर, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पर सॉलिड जो होगा वो मेल्ट करना शुरू होगा. उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर. उस समय क्या हो रहा होगा वो देखिए, द मोशन ऑफ पार्टिकल. देखिए मैंने क्या बोला है, मेरे पास -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, पहले आप इसको हीट देंगे, ये कहाँ पर पहुँचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर. आपने इसको क्या किया है, हीट को सप्लाई किया है. आप इसको फर्दर हीट सप्लाई कीजिए, दोबारा से हीट सप्लाई कीजिए, क्या ये, तब क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस पर से टेम्परेचर क्या 1 होगा, होगा. लेकिन रुकिए, उससे पहले एक चीज़ होगी, यहाँ पर ये आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी आइस है. अब जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, अब आप फर्दर अगर आप हीट देंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. उस समय क्या होगा, उस ड्यूरेशन पर जब आपने यहाँ से यहाँ तक आपने पहुंचाया, तो मॉलिक जो इनके बीच का मोशन है वो काफ़ी बढ़ चुका होता है, राइट. और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस पहुंची, मोशन काफ़ी हाई हो जाता है पार्टिकल का एज़ कम्पेयर टू -10 डिग्री सेल्सियस. और 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें कुछ फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं. वो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, सॉलिड धीरे धीरे मेल्ट करने लगता है. इसका मतलब है, मेल्टिंग का मतलब है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड धीरे 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 एक एक करके टूटने लगते हैं. इसीलिए सॉलिड जो होता है धीरे 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 मेल्ट करने लगता है. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो मेरी आइस है, राइट, वो अब क्या करेगी, क्या उसका टेम्परेचर राइज होगा, नहीं. उस समय 0 डिग्री सेल्सियस पर भी अगर आप हीट दे रहे होंगे, तो वो हीट जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूटिलाइज नहीं हो रही होगी. वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड, एटॉमिक बॉन्ड, पार्टिकल के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूटिलाइज हो रही होगी, राइट. तो उस ड्यूरेशन पर क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल बिकम्स टू हाई सच दैट
दी अट्रैक्टिव फोर्सेज आर नो लॉन्गर सफिशियंट, जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज है अब इतना काफ़ी नहीं है कि वो उसको होल्ड कर पाए, तो क्या करेगा, होल्ड नहीं कर पाएगा तो हाथ से छूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा तो पार्टिकल धीरे धीरे अलग होने लगेंगे, अलग होने लगेंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, राइट। तो एट पर्ट, तो मैंने क्या बोला है, जो फेज चेंज होगा वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फेज चेंज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एन एडिशनल हीट जिसकी मैं बात कर रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस तक तो आपने पहुंचा दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पर मॉलिक्यूलर मोशन इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आप जो है होल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद थोड़ी सी भी अगर उसको हीट मिली, दैट एडिशनल हीट, राइट, दैट एडिशनल हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब इसमें ऐड होती है, दिस इज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, द पार्टिकल्स आर नाउ फ्री टू मूव, उस समय पार्टिकल फ्री हो जाते हैं क्योंकि बॉन्ड तो तोड़ दिया। वाइल ब्रेकिंग द बॉन्ड एंड बिकम्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टू चेंज इन टू लिक्विड स्टेट। तो क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पर बॉन्ड एक एक करके टूटने लगे। मान लो एक आइस क्यूब है आपके पास, क्या एक बॉन्ड है उसमें, नहीं, दो बॉन्ड है क्या, नहीं, लाखों करोड़ों बॉन्ड होंगे। एक बॉन्ड टूटने के लिए मान लो 1 सेकंड लग रहा है, मैं खैर बहुत ज़्यादा टाइम बोल दिया, मान लो 100 बॉन्ड टूटने के लिए 1 सेकंड का समय लग रहा है सपोज, तो अगर 1 लाख बॉन्ड मल्टीप्लाई कर लीजिए उतना टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली फेस चेंज होने के लिए टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि बॉन्ड टूटने में टाइम लग रहा है, इसीलिए जो लेटेंट हीट है वो कुछ टाइम लेगा। और उस पूरे ड्यूरेशन पे क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो 10 मिनट लग रहा है फेस चेंज होने में, तो क्या उस 10 मिनट में क्या कोई टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं। तो क्या उस ड्यूरेशन पर हीट ट्रांसफर हो रही है सिस्टम को या आइस को, बिल्कुल हो रही है। वो हीट कहाँ यूटिलाइज हो रही है, बॉन्ड्स को तोड़ने में, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। और क्योंकि ये हीट जो है वो हिडन होती है, हिडन मतलब कैसे हिडन है, टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, मेरे को कैसे महसूस होगा, मैं थर्मामीटर डाल दूं मेरे को थोड़ी ना महसूस हो रहा है कि हीट बढ़ रही है, क्योंकि थर्मामीटर में तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दिख रहा है, लेकिन आप तो बराबर हीट दे रहे हैं, वो हीट यूटिलाइज हो रही है बॉन्ड्स को तोड़ने में, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। आपने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, राइट। आप कहाँ थे, -10 पर थे, और -10 से आप 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गए, लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड भी पॉसिबल है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होगी उसमें एनर्जी कम होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विड होगा, वाटर होगा, उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि उतने जो बॉन्ड टूटे हैं वहाँ सॉलिड से लिक्विड आने में, वो एनर्जी तो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब की है ना, दैट इज द लेटेंट हीट। नाउ कमिंग फ्रॉम चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट, लिक्विड पहुँच गए, काम मेरा हो गया, पहुँचेंगे गैसेस स्टेट पर, कैसे पहुँचेंगे, फर्दर हीट प्रोवाइड करके। तो हम क्या पहुँच गए, सॉलिड से, यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड पर पहुँच गए। देखिए ध्यान रखिएगा, एटम इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है, क्या ये स्टेबल था, क्या ये स्टेबल है, राइट। एक पोजीशन पर स्टेबिलिटी होती है, हर टेम्परेचर पर स्टेबिलिटी जो है वो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, राइट। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर लिक्विड में जो एटॉमिक स्पेसिंग है, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, वो भी स्टेबल है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी स्टेबल है, इसी वजह से लिक्विड एग्जिस्ट करता है। जो लिक्विड है आप इसको फर्दर हीट करेंगे, मान लो मैं अभी लिक्विड ले रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर मैंने लिक्विड लिया। अब आप इसको क्या करिए, हीट बढ़ाते जाइए तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, +5, +10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे पहुँचेगा। कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ रहा था ना, उस समय जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो क्या ये बॉन्ड टूट रहे थे, नहीं, बॉन्ड नहीं टूट रहे थे, ये मॉलिक्यूल या एटम, ये पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। और अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर एक पार्टिकल इतना मोशन कर रहा था, इस जगह पर वाइब्रेट कर रहा था, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका मोशन बहुत हाई हो जाएगा और ये पार्टिकल दूर 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 वाइब्रेट करेगा, एनर्जी बढ़ गई है। टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। चलिए देखते हैं, इन लिक्विड द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर स्टिल सफिशियंट टू होल्ड,
लिक्विड के पार्टिकल में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि वो अपने आप को होल्ड कर सकते हैं, स्टेबल है एज कंपेयर टू गैसेस। एज द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज टू बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से 100 तक आप टेम्परेचर बढ़ा के गए, उस सारे ड्यूरेशन पे जो भी हीट सप्लाई की है वो केवल और केवल पार्टिकल के मोशन को बढ़ा रही है, जिससे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो अपने मीन पोजिशन से ज़्यादा दूर डिस्टेंस तक ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, राइट। द मो एट एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है अब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गए हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर है, यहाँ के बाद कुछ होगा, राइट। द मोशन ऑफ पार्टिकल बिकम्स वेरी वेरी हाई, और ज्यादा, बहुत ज्यादा, एक्सेसिवली हाई हो जाती है, सच दैट दे बिकम्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। उस समय बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पर इतनी एनर्जी हो जाती है, इनके पास मोशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर आप उसके बाद जो है फर्दर कोई हीट देंगे, व्हेन एन एडिशनल हीट इज सप्लाइड, लिक्विड चेंजेस इंटू गैसेस स्टेट, और जैसे ही लिक्विड गैसेस में चेंज होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, फ्रीली मूव करता है, अनटिल अनलेस आपने उसको किसी वेसल में रखा ना हो, राइट। अगर वेसल में होगा तो उतने ही विसिनिटी में रहेगा, अगर ओपन है तो फिर तो कहीं भी जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिक्विड में हम कहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से कहाँ पर पहुँचे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक, इस ड्यूरेशन से क्या हुआ, कंटिन्यूअसली हीट ट्रांसफर हुई, उस कंटिन्यूअसली हीट ट्रांसफर में मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो बढ़ते चले गए, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, दैट इज फिक्स टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो एनर्जी है इतनी हाई हो जाती है, नाउ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन नॉट होल्ड द पार्टिकल्स, देयर फोर आफ्टर एडिंग सम अमाउंट ऑफ हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस ये बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। क्या एक ही बार में सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे, नहीं, जैसे सॉलिड में हो रहा था, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, चार बॉन्ड, 10 बॉन्ड टूटेंगे, लाखों करोड़ों बॉन्ड टूटने में टाइम लगता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है उस ड्यूरेशन पे वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा और कंटिन्यूअसली फेज चेंज होता रहेगा, मतलब कंटिन्यूअसली बॉन्ड टूटते रहेंगे और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा, राइट। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जी, आप देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट दो तरीके की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए अब चीज़ें बहुत आसान हो गई अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। फ्यूजन का मतलब है इट इज एसोसिएटेड विद द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, या फिर फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। मतलब अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाएं या लिक्विड से आप सॉलिड में आए, इन दोनों जगह पर क्या हम टर्म यूज करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। दूसरा, अगर आप लिक्विड से गैस पर जाएं और गैस से आप जो है वेपर, मतलब सॉरी लिक्विड पर आए, उस समय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और कभी कभी क्या होता है गैस से लिक्विड आने पर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, इस तरीके से भी यूज कर लेते हैं, लेकिन एक जनरल टर्म है आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज कीजिए, अदरवाइज कहने को तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यूजन बस हम एक टर्म को लेके चलते हैं, कन्फ्यूज नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पर अच्छा, इसकी एक वो डेफिनेशन है जो आपको स्कूल में एग्जाम में पूछी जाए तो क्या लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम। आप क्या कर लीजिए सॉलिड, ले लीजिए, आइस ले लिया आपने, कितना ले लीजिए 1 kg, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो 1 किलोग्राम सॉलिड ले लीजिए और ये 1 किलोग्राम सॉलिड जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है किसमें कन्वर्ट होने में, लिक्विड में कन्वर्ट होने में, वो जो हीट होगी वो लेटेंट हीट होगी। इसी तरीके से आप क्या कीजिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो लीटर, आप एक कंटेनर में 1 किलो लीटर पानी ले लीजिए, नीचे से गैस जला दीजिए, हीट ऐड कीजिए, सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जितनी हीट ऐड होगी दैट इज योर लेटेंट हीट, राइट। तो ये सारी चीज हमारी हो गई टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड में अवेलेबल होती है, या हम वहाँ बात करते हैं उसकी, अगर आप लिक्विड से गैस में जा रहे हैं या फिर रिवर्स आ रहे हैं तो भी आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज कर सकते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ में देखिएगा आपने जो चीज़ें सीखी हैं
उस सारी चीजों को इस ग्राफ में लेके आने की कोशिश करेंगे और डिटेल में मॉलिक्यूलर एक्शन को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, मैंने क्या किया है, आइस को ले लिया है यहां पर -10 डिग्री सेल्सियस पर, राइट। तो -10 डिग्री सेल्सियस पर ये रही मेरी आइस, पूरे पार्टिकल्स जो हैं इसके क्लोजली पैक्ड हैं अपनी जगह पर, इनमें वाइब्रेशन थोड़ी बहुत हो रही होगी और वो बहुत ना के बराबर थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो रही होगी, राइट, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इसको ले लिया, मैं इसका टेम्परेचर क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ, राइट। यहाँ पर देखिए मेरा वाई एक्सिस में टेम्परेचर है और यहाँ पर हीट एनर्जी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हीट एनर्जी, अगर यहाँ पर Q1 ले ले और तो यहाँ पर Q2 हो जाएगा, यहाँ पर कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी या कितनी हीट होगी, तो आप Q2, ये क्या हो गया, आप क्या करिए Q2 माइनस Q1 कर दीजिए, आपको मिल जाएगी चेंज कितनी हीट इसने एब्जॉर्ब हुई है, इनिशियल हीट और फाइनल हीट बाद में माइनस कर दीजिए। यहाँ पर इस पूरे ड्यूरेशन पे जब आपने इतनी हीट को आपने दिया है इस आइस को जो -10 डिग्री सेल्सियस पर थी, ये क्या करेगा, ये जो आइस है या जो आइस का जो -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, बढ़ के जीरो पर आएगा। जीरो पर क्या होगा वो देखते हैं हम। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ चुके होंगे और इनमें से कुछ कुछ बॉन्ड देख लीजिए, कुछ कुछ बॉन्ड टूट रहे होंगे, कुछ पोर्शन अभी भी आइस का बचा हुआ है, तो कुछ पोर्शन आइस का रहेगा, कुछ बॉन्ड टूट चुके होंगे, तो थोड़ा लिक्विड बन चुका होगा और थोड़ा सॉलिड भी अवेलेबल होगा। जैसे ही आप फर्द और इस रीजन में, यहाँ देखिए इस रीजन में क्या हो गया, ये जो बचे हुए बॉन्ड है ये भी क्या होगा, टूटेंगे, तो इस पर्टिकुलर जगह से बॉन्ड टूटना शुरू हो गए 0 डिग्री सेल्सियस। सारे बॉन्ड टूटने में कुछ टाइम भी लगता है, राइट, तो इस इतना टाइम लगा है और टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहा है। इस कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आप हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, बिल्कुल कर रहे हैं। बाद में आपने कितनी हीट पर पहुँच गए, Q3 पर, ये पूरी हीट जो है दैट इज़ योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और वाटर के लिए इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 334 जूल पर ग्राम, मतलब अगर 1 ग्राम आपके पास आइस क्यूब होगा तो 334 जूल के लगभग एनर्जी वो यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो इस जगह पर, और देखिए यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचते हैं, यहाँ पर सारा का सारा सॉलिड पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होगा, सारा का सारा सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होगा और सारे बॉन्ड टूट चुके होंगे, ये जो सॉलिड था ये भी बॉन्ड टूट चुके होंगे, और जब ये टूटा होगा तो इसने अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया, क्योंकि फैल गया, बर्फ एक जगह पर इकट्ठी है, पानी फैल गया तो वो जो एटम थे, वो जो मॉलिक्यूल थे, वो बिखर गए, दूर दूर हो गए, डिस्टेंस बढ़ गया है राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये जो लिक्विड आया मेरे पास, ये भी लिक्विड कितने पर है, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, सारे के सारे बॉन्ड टूट चुके हैं, लिक्विड कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आप इसको फर्दर हीट देते हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और आप इसको देते गए हीट, आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने इसको पहुँचा दिया 100 डिग्री। तो अगर ये स्टेज इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टेज क्या होगी, देखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही आप इसको हीट देते हैं, इनमें से कुछ के बॉन्ड टूटे होंगे, जिनके बॉन्ड टूटे हैं वो क्या करा, उनका मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ गया होगा, ये देख लीजिए मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ गया है, मूव करने लगे, लेकिन कुछ तो अभी भी लिक्विड स्टेट में है ना, तो कुछ अपनी लिक्विड स्टेट में, तो वो थोड़ी ना उनके पास उतनी एनर्जी आई है। अब अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर फर्दर हीट एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो बचा हुआ लिक्विड मॉलिक्यूल है इनके भी बॉन्ड धीरे धीरे करके टूटने लग जाएंगे, और मान लो 1 लाख बॉन्ड है, तो 1 लाख बॉन्ड को टूटने के लिए भी कुछ समय चाहिए, और उस समय तक आप इतनी एनर्जी को सप्लाई कर चुके होंगे, Q5 तक आप पहुंच चुके होंगे। सो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2257 जूल्स पर ग्राम, ठीक। तो 1 ग्राम लिक्विड को एट 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको आपको गैस में कन्वर्ट करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है, यू विल नीड अप्रॉक्सीमेटली 2257 जूल पर किलोग्राम ग्राम ऑफ एनर्जी।
अब उसके बाद यहां पर क्या हुआ, यहां पर और यहां पर सारे के सारे पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, वेपर में। क्या कोई पार्टिकल नीचे आपको इस तरीके का दिख रहा है, क्या कोई पार्टिकल बॉन्डेड है क्या अभी? नहीं, इनमें एनर्जी बहुत आ गई है। कितनी एनर्जी आ गई है? दिस एनर्जी प्लस ये आपकी लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, वेपराइजेशन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके क्या हो गए, यहाँ तक पहुँच गए हैं। और यहाँ तक पहुँच गए हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स या पार्टिकल्स फ्री हो गए, आराम से फ्रीली घूम रहे हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ना के बराबर होता है। तो ये रहा पूरा मेरा ग्राफ जिसमें हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की और हमारा जो है किस तरीके से हीट ऐड करते हैं और ये जो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, लेटेंट हीट आप किस तरीके से शो करेंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है, जब आप सॉलिड से लिक्विड गए थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या थी, कम थी, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, ज़्यादा है। सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो आपको एनर्जी कम चाहिए, बॉन्ड तो उतने ही टूटेंगे। ध्यान रखिएगा 1000 पार्टिकल पहले थे, अगर 1,00,000 पार्टिकल पहले थे उनके बीच में बॉन्ड था तो सारे के सारे 1,00,000 पार्टिकल के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी पार्टिकल 1,00,000 ही हैं, लेकिन वेपोराइजेशन में जो अमाउंट ऑफ हीट है वो ज़्यादा लगती है फेस चेंज करने में। सो ध्यान क्या आपको रखना है, लेटेंट हीट ऑफ, यहीं लिख देता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज ऑलवेज लेस देन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आप ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्यूजन से हमेशा कम होगी, राइट? चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद एक और कुछ खास पॉइंट्स और हैं जो मेरे पास बताने के लिए हैं। पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी में जो पार्टिकल हैं जो कि कितने पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, दे विल हैव मोर एनर्जी। वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, उनके जो पार्टिकल्स होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है ना? क्यों? अरे भाई, क्योंकि आइस से जब आप वाटर में जा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल हीट लेके जा रहा है ना, लेटेंट हीट। तो वाटर के जो पार्टिकल होंगे जो 0 डिग्री सेल्सियस पर होंगे उनके पास एक एडिशनल हीट होगी लेटेंट हीट वाली, बिकॉज पार्टिकल्स इन वाटर हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, ऑल्सो पार्टिकल्स इन स्टीम और वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, बिकॉज रीजन मेरे को पता है, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके जाएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्प्योरिटीज लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। जो इम्प्योरिटी है वो मेल्टिंग पॉइंट को घटा देती है और इंक्रीज करती है बॉइलिंग पॉइंट को। अभी इम्प्योरिटी क्या हुई, आप पानी लीजिए, राइट, आप वाटर ले रहे हैं, ये रहा वाटर और ये प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर है। आपने इसको फ्रीज किया है, आपने इसको क्या किया है, सॉलिडिफाई किया है, ठीक, तो आपने इसको आइस पे कन्वर्ट किया है, ये सारा का ये क्या होगा, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, चाहे आप आइस से वाटर में आएंगे ना तो भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट भी अगर आप कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, तो कोई गलत नहीं है, ठीक। तो दूसरा, अब आपने क्या कर दिया है, इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। वाटर के लिए सॉल्ट तो इम्प्योरिटी है, सेम सब्सटेंस थोड़ी ना है, इम्प्योर कर रहा है वो अलग बात है, क्योंकि मेरे को नमक का ही पानी पीना है तो मेरे लिए वो एडिशनल डिजायरेबल चीज़ हो गई है। लेकिन अदरवाइज वाटर के केमिकल सब्सटेंस से अगर आप सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट के सब्सटेंस के साथ मैच करें तो वो तो इम्प्योर हो गया ना, उससे मैच नहीं कर रहा है। तो जैसे आप सॉल्ट को ऐड करेंगे इसका मतलब आपने प्योर वाटर को इम्प्योर कर दिया है, उस समय इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा था, प्योर वाटर आइस से वाटर में जा रहे थे, मेल्ट हो रहा था, ठीक है, तो अब ये कब मेल्ट होगा, मान लो -3 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस पर हो, मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है मेल्टिंग पॉइंट को। दूसरा, इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरीके से प्योर वाटर इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, सॉल्ट ऐड करने पर क्या होगा,
अगर अब आप इसको इम्प्योर वाटर को बॉयल करेंगे तो जो इसका बॉयलिंग पॉइंट है आपको ग्रेटर देन 100 मिलेगा, 104, 105 डिग्री सेल्सियस, मतलब कुछ बढ़ के मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है, बॉयलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। मेल्टिंग पॉइंट नीचे होता है, बॉयलिंग पॉइंट ऊपर होता है। किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योर सब्सटेंस ऐड करेंगे, नीचे वाले को और नीचे कर देगा, मेल्टिंग पॉइंट को और नीचे कर देगा। इम्प्योर सब्सटेंस ऊपर वाले पॉइंट को और ऊपर कर देगा, बॉइलिंग पॉइंट को और ऊपर कर देगा, 100 से 102, 103, 104, 105 कर देगा। ठीक, तो ये आपको तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट, लेटेंट हीट इज, ये तो मैं खैर बता चुका फिर भी देख लीजिए, लेटेंट हीट इज ऑल्सो नोन एज हिडन हीट एज इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई थर्मामीटर, क्योंकि ये थर्मामीटर से आप मेजर नहीं कर सकते हैं। थर्मामीटर केवल और केवल सेंसिबल हीट मेजर करता है, लेटेंट हीट मेजर नहीं करता है, और यही कारण है कि लेटेंट हीट को हम जो है वो हिडन हीट भी बोलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो आप चीज़ों में कन्फ्यूज हो रहे थे वो कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हुई होगी। सो अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन आप गेन कर रहे हैं, आपकी नॉलेज इन्हेंस हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।